नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। एक नए दिन 11 मई की तिथि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और 11 मई की अगर महत्वपूर्ण भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय राजनीति, भारतीय सामरिक क्षेत्र के लिहाज से बात करें तो 11 मई अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 11 मई 1998 की अगर बात करते हैं तो 11 मई 1998 को भारत के द्वारा परमाणु पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा यह नेतृत्व पूरा किया गया और पूरी दुनिया को एक प्रकार से चौंका दिया गया, क्योंकि इस परमाणु परीक्षण की जानकारी दुनिया के अगर ताकतवर देशों की बात करें, जैसे अमेरिका, जैसे रूस, जैसे इंग्लैंड, जैसे जर्मनी, अपने पड़ोसी देश की बात करें जैसे पाकिस्तान के नाम पर जाना जाता है और कई सारे देश, चीन है, इन सब किसी को जानकारी ही नहीं थी कि भारत एक नए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है और परीक्षण करने वाला है। इस परमाणु परीक्षण का नेतृत्व महान वैज्ञानिक, भारत के महान वैज्ञानिक, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया। इस मिशन को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि दुनिया के कई सारे देश, विशेषकर अमेरिका, को इस बात की भनक तक न लगने दिया जाए, क्योंकि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA को अगर ये पता चलता तो वो इस अभियान को पूरा करने में जो दिक्कतें हो सकती थी उसे का पैदा करता। तो इसको इस तरह से अंजाम दिया गया कि दुनिया को भनक न लगने पाए और अमेरिका को तो बिल्कुल भी न लगने पाए। इस अभियान के तहत तो जुड़ने वाले सभी लोगों को, सभी लोग सेना का जो कहते नहीं है वर्दी, सेना की वर्दी पहनकर काम किया करते थे, ताकि अमेरिका को, अमेरिका की खुफिया एजेंसी को ये लगने लगे कि ये भारतीय सैनिकों का मतलब डेली रूटीन वर्क है, किसी विशेष प्रकार का अभियान नहीं। अपने वैज्ञानिकों के असाधारण योग्यता को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर भारत सरकार के द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत किया गया। तो 11 मई एक महत्वपूर्ण तिथि के साथ में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। अगर इससे पहले की बात करें तो ये पहला परमाणु परीक्षण नहीं था, इससे पहले जो परमाणु परीक्षण और किया जा चुका था। फिलहाल 1998 के इस परमाणु परीक्षण का जो नाम रखा गया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इससे पहले जो ऑपरेशन किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि 1974 में हुआ था, जिसका नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और तब से भारत परमाणु क्षेत्र में एक ताकतवर शक्ति के रूप में जाना जाता है। 1974 में होने वाले परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। 11 मई की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी और आपके ये ज्ञान में, आपके शिक्षा के ज्ञान में आपको वृद्धि देती होंगी। अगर ये जानकारियां, ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे ये वीडियो आपको रोज निर्धारित समय पर प्राप्त होते रहें और साथ ही साथ मेरे लाइव क्लास भी और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Have a good day.